हाय दोस्तों वेलकम बैक नमस्कार वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का का करने वाले गणित का सोलूशन प्रश्न वाले सोलह पॉइंट पाँच का बच्चों ठीक है, से है तो आपसे रिक्वेस्ट जब चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए फांसी लाइक तो फिर दोस्तों समझिए बराबर क्या कि प्रश्न वाले सोलह बच्चों प्रश्न के पहला क्या कि छः सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचिए और उसकी समित ज्ञात कीजिए आंसर हम लोग दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या कि बोला कि क्वेश्चन में छः पॉइंट नौ सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना होगा ठीक है तो चलिए खींचते हैं यहाँ पर छः पॉइंट नौ का खींचते हैं बच्चों चुना यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग रेखाखंड खंड खींच देते हैं छः पॉइंट बोला गया आपको नौ सेंटीमीटर ठीक है देखिए यहाँ पर आपका छः हो गया है तो यहाँ पर आपका नौ यहाँ पर होगा ठीक है तो यहाँ तक हमको खींचना पड़ेगा रेखा को इस तरह से हम लोग खींच रहे हैं पेन से आप इसको पेंसिल से बनाइएगा ताकि कहीं होगा तो उसको मिटा पाइएगा फुल ठीक है इस तरह से सबको क्या करना है छ पॉइंट आपको खींच लेना है बच्चों को नौ तक आपको लंबाई का देखा खंड दो सो ठीक है अब इसको जो तो सिंपल इसके ऊपर लिख दीजिए यहाँ पर आपका ये हो गया छ पॉइंट नौ सेंटीमीटर दो सो ठीक है इसका नाम दे दीजिए यहाँ पर ए और इसका नाम है लिखा हुआ नाम आपको सामने है यहाँ पर इसका नाम है बी दोस्तों ठीक है अब बोले देखिए दोस्तों क्या बोला कि इसमें आपको ये आप वो लग गया है और उसकी सम्मित अच्छा ज्ञान की इसको सम्मित सबको ज्ञात करना रही तो है ठीक है इस तरह से तो आपको क्या करना है हैं इस तरह से पढ़ करके उससे उसमें पेंसिल लगा दीजिएगा ठीक है लगाने के बाद उससे क्या कहिए किस तरह से आपको यहाँ पर रखना है ठीक है हमेशा क्या कीजिए जो आधा ज़्यादा से हमेशा इसका ज्यादा ठीक से लेकर के ले आपको यहाँ से इस तरह से कटिंग करना है ठीक है इस तरह से यहाँ से इस तरह से ठीक इस तरह घुमा दीजिएगा फिर आपको यहाँ से क्या कीजिएगा नीचे भी करना है अगर सम्मित बोला तो नीचे पर दोनों तरफ करना पड़ेगा आपको इस तरह से ठीक है तो इस तरह से सबको इस तरह से कर लेना ठीक है फिर हम लोग यहाँ पर रखेंगे इस जगह पर ठीक है और तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस तरह से ले लेंगे ठीक है फिर हम लोग इसको यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे ठीक है तो फाइनल सबको देख तो नहीं रहा लेकिन आपको मैं थोड़ा छोटा करके दिखाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको दिख जगह देखिए इस तरह से ठीक है इस तरह से हम लोग कहाँ से किए पहले किए हम यहाँ से इस तरह से यहाँ रखिएगा और इस तरह से यहाँ से करते जाइएगा ठीक है फिर आपको रखना है यहाँ पर और यहाँ से इसको नीचे वाला कि इस तरह से कीजिएगा देखिए की यहाँ पर इस तरह से ठीक है दोस्तों इस तरह करके तो फाइनली फाइनलीस्तों क्या करना रहे आपको स्केल लाना है और तो क्या कीजिएगा यहाँ से बच्चों इस तरह से आपको लाइन खींच देना है इस तरह से बस इतना ही आपको काम है आपको ये हो गया सम्मिट रेखा दोस्तों ठीक है क्या लिख देगा समिट आज कर सम्म होगा आपका आज दोस्तों ठीक है बस आपका ये हो गया फाइनलिस्ट का बच्चों आंसर आपका ठीक कॉपीज को लिख लीजिएगा नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दूसरा समझिएगा बुरा किन आठ पॉइंट दो सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब संधिभाजक खींचिए उसको सुंदर हम लोग दोस्तों पहले क्या अगर आपको लेना है यहाँ पर स्केल दोस्तों ठीक है खींचने बोला गया आपका आठ पॉइंट दो सेंटीमीटर लंबा एक और रेखा दोस्तों ठीक है यहाँ से खींचिएगा इस तरह से रख लीजिएगा इस तरह से यहाँ पर ठीक है और आपको आठ पॉइंट खींचने बोला है दो सेंटीमीटर ठीक है तो लोग फाइनली इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से हो गया आठ पॉइंट हो गया दो सेंटीमीटर यहाँ दो सो ठीक है आठ हो गया एक दो ठीक है तो फाइनल से यहाँ पर क्या किया इसका नाम दीजिएगा आप लोग जो भी नाम इसका होगा उस ठीक है नाम तो कुछ दिया नहीं से मत दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहाँ पर इस तरह से कर दीजिएगा यहाँ पर इस तरह से यहाँ कर दिएगा आठ पॉइंट दो सेंटीमीटर सो ठीक है अब सिंपल बोला क्या किया बुला गया कि? तो उसका लम समी भाजा खींचने वाला गया ठीक है तो लम्बी भाजा के लिए खींचते थे इसका दोस्तों हम लोग जिस तरह लो से लोग क्वेश्चन बनाए थे फर्स्ट वो से इसको बनाना है ठीक है इस तरह से कि? जितना भी लेते उससे हल्का सा आपको बड़ा ले लेना है ठीक है तो इस तरह से ले लीजिएगा और यहाँ से आपको क्या करना है इस तरह से लाइन खींच देना है इस तरह से ठीक है खींच दिए हम लोग यहाँ से इसको भी क्या कीजिएगा इस तरह से नीचे से आपको लेना ठीक है थोड़ा आपको दिख नहीं रखा इसलिए थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ इस तरह से कि दोस्तों इस तरह से यहाँ पर लीजिएगा आपको वीडियो सही नहीं देखा तो उसको क्वालिटी का बढ़ा लीजिएगा थोड़ा ठीक है इस तरह से दोस्तों फिर आपको यहाँ पर रख देना है इसको क्या करना है यहाँ से इस तरह से कटिंग करना है ठीक है इसको भी यहाँ से इस तरह से कटिंग करना है दोस्तों तो आपका ये फाइनली सबको बन गया है ठीक है आपका ये समझी भाजक बच्चा हो चुका है सो ठीक है इस तरह से यहाँ से जो आपको रख देना है इस तरह से ठीक है इसको यहाँ से लाइन खींच लीजिएगा ठीक है तो अगर नहीं चल रहा पेन ये बोला तो हम लोग इस ब्लू पेन से आपको सरासी काम करना है पेंसिल से दोस्तों बस आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर दोस्तों ठीक है नेक्स्ट आगे चलिए बच्चों लोग ठीक है दोस्तों आगे आप लोग का प्रश्न तीसरा सुन क्या बोल रहा है कि एक रेखाखंड ए बी का कालम समिभाजक खींचिए जिसकी लंबाई नाइन सेंटीमीटर है दोस्तों ठीक है प्रश्न तीसरा का ये बस सुनिए क्या है कि इससे लंबा समझिभाजक पर कोई बिंदु एम लीजिए एवं जांच कीजिए कि की, एम ए बराबर एम बी बच्चों है दोस्तों ठीक है आपको चलिए दोनों क्वेश्चन का बच्चों को करते हैं ठीक है पहले उनको तीसरा का ए करेंगे फिर वो तीसरा का बी भी करेंगे ठीक है चलिए पहले ए का करते चलिए दोस्तों दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन को सारा में लिख लिया पेज में दोस्तों ठीक है डायरेक्टली क्या करते हैं यहाँ पर प्ले को लाइन खींचने के लिए बोला गया है नाइन पॉइंट आपका एट सेंटीमीटर का लाइन खींचने बोला ठीक है पहले हम लोग यहाँ पर नाइन पॉइंट एट सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इस तरह से रख करके यहाँ पर करें आपको दिखाने के लिए इस तरह से मैं कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा ठीक है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं फिर लाइन खींचते हैं नाइन पॉइंट एट ठीक है नाइन पॉइंट हो गया यहाँ हो गया उसका एट ठीक है उसको लिख देगा फाइनलिस्ट जिसका नाम यहाँ पर ए इसका नाम होगा यहाँ पर बी दोस्तों ठीक है नाम बोले तो नाइन पॉइंट एट सेंटीमीटर उसका हो गया सर ठीक है अब सब बोल रहा क्या है कि इसका नाम बीच में आपको देखिए नाइन पॉइंट एट का ठीक है तो देखिए सर तो आपको क्या करना आपको आप, आप यहाँ पर क्वेश्चन आ गई मैं इस लम संधिभाजक पर कोई बिंदु एम लीजिए कोई बिंदु आपको एम सुस् लेना आपको ठीक है हम कोई बिंदु एम ए ले लेते हैं तो ठीक है फिर वो क्या करते हैं कि एक जाँच कीजिए कि ए एम ए बराबर एम बी आपका है बच्चा ठीक है चलिए तो पहले इसको समी भाजी फिर कर लेते हैं फिर हम लोग इसको जांच करेंगे ठीक है उसको इस तरह से यहाँ से रखिए दोस्तों इस तरह से ठीक है तो फाइनली आपको यहाँ से क्या करना है थोड़ा सा ज़्यादा ही रहना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर रख लेते हैं थोड़ा सा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है इस तरह से यहाँ से कर लेते हैं तो हम लोग कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाए क्या थोड़ा तो सा छोटा कर लेते हैं यहाँ से ठीक है तो इस तरह से यहाँ हो गया फिर यहाँ रख लीजिएगा फिर इस तरह से यहाँ कर लीजिए यहाँ रखिएगा इस तरह से यहाँ कटिंग कीजिएगा इस तरह से कर लीजिए दोस्तों को क्या करना सी प्लीज सब आगे सब लोग को यहां इस तरह से मिला लेना ठीक है ऐसे से इस इसको मिला लीजिएगा फिर ध्यान से इसका नाम आप दीजिएगा यहाँ पर है। एम यहाँ जो कटिंग हुआ पर इसका नाम रख दीजिएगा एम दोस्तों ठीक है और दोस्तों इसका नाम आप रख दीजिएगा ओ यहाँ पर इस इस पॉइंट का नाम ठीक है और दोस्तों क्या करना है आपको कि इस बिंदु से आपको क्या करना है फाइनली इस तरह से आपको मिला देना है यहाँ से कई बिंदु से आपको इस बिंदु तक ठीक है क्या करना फाइनली इसको मिला देना है इस तरह से ठीक है फिर दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ से कि दोस्तों इस तरह से यहाँ से आपको यहाँ भी मिला देना ठीक है इस तरह से दोनों क्या हो गया सिंपली आप ये बराबर हो गया ये भी दोनों क्या हो गया आपको बराबर हो गया ठीक है सिंपली से लिखिएगा से क्वेश्चन ये सोचिए यहाँ पर क्या कि क्वेश्चन में बोला गया था यहाँ पर कि एम ए एम ए बराबर एम बी तो ठीक है यहाँ पर लिख दिया फाइनली एम ए बराबर एम बी है दोस्तों ठीक है दोनों के आपका बराबर दोस्तों फाइनलिस्ट का आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बी वो समझिए क्या कि आदि ओ रेखाखंड ए बी का माध्य बिंदु है तो ओ ए और ए बी के बीच संबंधों की जांच कीजिए बच्चों आंसर हम लोग देखिए बच्चों क्या कहना यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन बोला गया ठीक है आप जानते हैं क्या है कि ओ ए बराबर आपका होता है वन बटर टू कि ए और बी दोस्तों ठीक है दोस्तों हम बात करें तो एक बटर दो, दो हो गया और ए बी दोस्तों को कितना हो जाएगा आप जानते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ था नाइन पॉइंट आपका एट बच्चों ठीक है हम लोग इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे आपको लाएंगे आपको दस दोस्तों ठीक तो है तो फाइनल से क्या इसको काटते हैं हम लोग हैं देखिए इस तरह से चार दो होगा आपका आठ नौ दोनों होगा आपका अठारह बच्चों ठीक है यानी कि उनचास बटा हो जाएगा आपका दस दोस्तों ठीक है अब दस से भागा देखो उनचास हो जाएगा आपका चार पॉइंट आपको नौ दोस्तों ठीक है ये बात कर रहे हो कि सेंटीमीटर सब फाइनल इसका आंसर दोस्तों कॉपी नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बेचो ठीक है दोस्तों प्रश्न की फोर समझ क्या हो रहा है कि एक रेखाखंड खींचिए जिसकी लंबाई पंद्रह पॉइंट पाँच सेंटीमीटर हो रूलर और प्रकार की सहायता से इसको तीन बराबर भागों में बांटिए मापन द्वारा इस रचना की जांच कीजिए बच्चों क्वेश्चन को, को, को पढ़ लीजिएगा ध्यान से ठीक है चलिए तो आपको बताते हैं सोल्यूशन कर लीजिए चीज़ का हम लोग दो सौ क्वेश्चन पहले बोला गया आपके लंबाई जो सौ पंद्रह पॉइंट छः सेंटीमीटर का आपको देखो क्या करना है कि रेखाखंड खींचना बच्चों ठीक है चलिए तो पहले मैं स्केल लाता हूँ ठीक है उसमें क्या करते हैं यहाँ पर खींच लेते हैं लाइन दोस्तों पहले हम लोग पंद्रह पॉइंट बोला गया आपको है छः दोस्तों ठीक है तो पूरा हम लोग यहाँ से खींचेंगे इतना लंबा यहाँ से लेकर पंद्रह सौ यहाँ पर मेरा आ गया ठीक है ये पूरा पूरे पंद्रह सौ हो गया अब छः बोला गया फिर यहाँ से ठीक है से फिर छः लेते हैं हम लोग यहाँ से छः दोस्तों क्योंकि पंद्रह पॉइंट पंदर पंद छः बच्चों ठीक है भैया बात करें फिर इसका नाम दे दीजिएगा यहाँ पर कि नाम दीजिएगा पी दोस्तों इसका नाम दे दीजिएगा यहाँ पर क्यू दोस्तों ठीक है समझा गया नहीं प्र आपका पंद्रह पॉइंट आपको छः सेंटीमीटर से ठीक है अब बोला गया क्या है कि रूलर और प्रकार की सहायता से इसको ठीक है तीन बराबर भागों में बांटना है तीन तीन में तीन इसको तीन बराबर भाग में इसको बांटना है रूलर प्रकार की सहायता से ठीक है तो हम लोग प्रकार से ले लिए हम लोग ठीक है इसको, इसको तो इस तरह तो बच्चों देखिए देख देख दे से बच्चों प्रकार आपको ले लेना है और क्या करना सबसे करें दे तो यहाँ से आपको जैसे ठीक इस तरह से क्या कीजिए इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कटिंग कर जाइएगा इस तरह से ठीक है यहाँ से उठाइएगा और जितना हो सके आपको तीन बराबर भाग में इसको बांटना ठीक है फिर यहाँ से इस तरह से घुमाइएगा पा, इस तरह से ठीक है एक भाग हो गया फिर दोस्तों सोचिए क्या करेंगे फिर उसको यहाँ से रखना इस तो तरह से ठीक है और यहाँ से इस तरह से सबको इस तरह से लाइनअप को ले लेना ठीक है फिर दोस्तों आपको इस तरह से करते हुए जाना है ठीक है एक बार हो गया दो बार हो गया ठीक है तीसरा बार भी इस तरह से क्या करना है आपको यहाँ से इस तरह से ले लेना सो ठीक है यहाँ भी आपको वही काम करना सो है एक बार आपको इस तरह से ले लेना है ठीक है फिर आपको सो यहाँ से इस तरह से फिर यहाँ से बस इस तरह से आपको हो गया सो ठीक है थोड़ा सो क्या करना है इस तरह से नीचे दोस्तों ये इस तरह क्या करना आपको यहां से दोस्तों सिंपल इस तरह से देखिए दोस्तों यह से यहां से रखिएगा इस तरह से आपको बना दीजिएगा ठीक है फाइनली क्या करना सबको यहाँ से लाइन लीजिएगा और इसको यहाँ से कटिंग कर दीजिएगा ठीक इस तरह से फिर आपको यहाँ से इस तरह से ठीक दोस्तों फाइनली आपका ये कंप्लीट हो चुका है पर बन के ठीक है इसको चाहे तो आप कॉपी नोट कर करिए देख देखिए जिस तरह बनाए थे उसी तरह से ठीक है सभी का आप चाहे तो उसका नाम दे सकते हैं यहाँ पर इसका नाम दीजिएगा पी क्यू आर हो गया ठीक है इसका नाम दीजिएगा इसका नाम दे दिएगा एस पी क्यू आर एस यहाँ पर टी ठीक है आपको ये पूरा कंप्लीट दोस्तों हो चुका है क्वेश्चन दोस्तों को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछ चुका दोस्तों आगे आप लोग कब है प्रश्न किए फाइव क्या बोला कि सात पॉइंट दो सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड एम एन खींचिए और फिर एम एन को व्यास मानकर एक वृत्त खींचिए बच्चों ठीक है चलिए आप इसका आंसर बच्चों बोलो ठीक है दोस्तों पे क्या बोला गया यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया सात पॉइंट दो सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना आप बोला ठीक है तो चलिए हम लोग यहाँ पर खींचने पहले सात पॉइंट दो का इस तरह से रखिए आपको यहाँ लेना है यहाँ से ठीक है सात हो गया और पॉइंट आपको दो लेना है ठीक है यहाँ पर तो फाइनली इसको यहाँ लिख देना इस तरह से है क्या कि इसका नाम रहेगा आपका एम इसका नाम रहेगा एन दोस्तों ठीक है आप ऐसे रख दीजिए ठीक है आप सब क्या कर पर बोला क्या कि और फिर एम एन को व्यास मान कर आपको एम एन का व्यास यानी कि इसका व्यास को मान के उस ठीक है व्यास मान करके विज खिंचना ठीक है देखिए इस तरह से क्या करना यहाँ से आपको व्यास को मान के बोला गया था तो व्यास हम लोग यहाँ मान लेते हैं बीच में वेद खींचना आपको ठीक है वेद इस तरह से, से क्या करना आपको यहां से इस तरह से कर लेना है ठीक है यहाँ पे इस तरह से कर लेना है आपको यहाँ से इस तरह से कर लेना सो ठीक है तो फाइनल तो यहाँ से तो यह तो यहाँ पर इस तरह से कर दे सो ठीक है को ये क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर इस तरह से टच हो गया है आपको ये ये वाला पूरा ठीक है एरिया तो इसको इस तरह से कटिंग कर दोस्तों तो आपको ये हो चुका है आप लोग क्या करना है कि यहाँ पर आपको ये वृद्ध खींचना है ठीक है वीत खींच व्यास को मान करके तो यहाँ से हम लोग ये वृद्ध खींच लेते हैं पहले इस तरह से यहाँ दोस्तों इस तरह से आपको भी खींच देना है ठीक है ये आपका विरीद बच्चों खीच खीचा गया, तो आपको फाइव तक का ठीक है चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों दोस्तों आगे केंद्र के ओ और त्रिज्या दो पॉइंट आठ सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए इसकी कोई जीवा ए बी खींचिए इस जीवा ए बी का लंब समिभाजक खींचिए यह वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है बच्चों ठीक है चलिए चलते आंसर बच्चों दोस्तों क्वेश्चन बोला गया, गया क्या है कि दो पॉइंट आपका आठ सेंटर लेकर ब्रिज खींचना पड़े ठीक है चलिए पहले हम क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पर और दो पॉइंट आठ का बनाते समझ से यहाँ पर ठीक है यहाँ तो पर? पर हो गया दो हो गया सो और बोला गया आठ तो आठ हम लोग यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों ठीक है इस तरह से तो फाइनल सो यहाँ पर दो पॉइंट आठ सेंटीमीटर ठीक है क्या इसको सिंपली आपको मानना पड़ेगा है व्रीथ बच्चे उसको ठीक है यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्या को इसको मान करके विधित खींच देना ठीक है तो त्रिज्या जी हम मान करके इसको सुन लो यहाँ पर विध देते हैं इस तरह से देखिए यहाँ पर हो गया ठीक है तो फाइनली इसको क्या कहते हैं इस तरह से विद खींच लिए इस तरह से ठीक है ये विधित खिंचा गया ठीक है अब क्वेश्चन बोला क्या कि इसकी कोई जीवा ए बी खींचिए कोई जीवा आपको खींचना है ए बी दोस्तों ठीक है तो फाइनली इसका जीवा हम लोग क्या करते हैं ए बी इसको खींच लेते हैं ठीक है देखिए इस तरह से और तो जीवा ले लेते हैं ए बीस कहीं ले लेते हैं हम लोग इस तरह से जीवा खींचने वाला है ए बी तो ए बी सो सिंपली यहाँ पर खींच दिए हम लोग ठीक है अब सब क्वेश्चन बोला क्या है कि ए बी का लम समझ भाई खींचिए ठीक है फिर आपको ए बी कप को लम आपको समझ भाई खींचने बोला गया ठीक है तो ए बी कप का लम दोस्तों खींचना चाहिए इस तरह से क्या करना है कि देखिए दोस्तों यहाँ से रखिएगा रखिएगा इसको ठीक है इसको इसको आधा कर दीजिएगा यहाँ से रखिएगा इसको यहाँ से इस तरह से यहाँ पर आएगा ठीक है ये वाला ऊपर इधर जाएगा ठीक है दोस्तों फिर आपको यहाँ रखिएगा जिसमें आपको इस तरह से यहाँ से यहाँ रखिए ठीक है जिस तरह से आपको हो गया ठीक है तो फाइनली क्या इस तरह से आपको तो स्केल थोड़ा ले लेना ठीक है जिस तरह से स्केल तो दोस्तों ले करके आप वीडियो को ध्यान से देखिए अभी सीख पाइए क्योंकि वीडियो में आपके लिए बहुत ही स्लो सलो बना रहा था कि आपको समझ में आएगा ठीक है मेन तो मेरा कि आपको समझाना ठीक है वीडियो में बहुत सुलो सुलो बना रहा था देखिए इस तरह से ये बन पूरा क्वेश्चन रेडी बच्चों हो जाएगा ठीक कि तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए इसकी कोई दो जीवाए खींचिए इन दोनों जीवाओं के लम्बिभाजक खींचिए अवलोकन कीजिए या कहाँ से होकर जाती है बच्चों ठीक है दोस्तों की के क्वेश्चन तो 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 पहले बोला गया कि तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृद्ध खींचना है ठीक है पहले तो क्या कहते हैं तो यहाँ पर सिंपली आपको तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहले खींचना है सो ठीक है देखिए इस तरह से फिर ये सो यहाँ पर ले लेते हैं तीन सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि यहाँ से हम रोल लेते हैं इस तरह से तीन दोस्तों लेना आपको ठीक है तीन दोस्तों इस तरह से ले लेना आपको ठीक है यहाँ पर तीन दोस्तों ले लिए हम लोग इसको इस तरह हाँ से गोल कर लीजिएगा ठीक है इस तरह से दोस्तों सिंपली करना है गोल कर लीजिएगा गोल दोस्तों करने के बाद फाइनल बोला कि क्वेश्चन आ गया मैम इसकी कोई दो जीवाएँ खींची इसको दो, कोई थो दो थो 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 जीवा खींचना है ठीक है तो इसका जीवा पहले खींच हैं सिंपली इस तरह से यहाँ से हम लोग जीवा खींच लिया ठीक है एक और आपको जीवा खींच देना है यहाँ से लेकर के यहाँ दोस्तों ठीक है दोस्तों आपको ये दो जीवा हो जाएगा सभी का नाम दे इसका नाम है ये इसका नाम आपका है पी इसका नाम दे आपको सी इसका नाम है डी बच्चों ठीक है अब क्वेश्चन बोला गया कि इन दोनों जीवाओं के लंब भाजा खींचिए ठीक है अब क्वेश्चन खींचने वाले लम समझे भाजपा दोस्तों ठीक है देखिए इसका केंद्र हम लोग यहाँ पर मान लिए थे इसका नाम है ओ बच्चो ठीक है दोस्तों किए थे क्या करना यहाँ पर दोस्तों यहाँ से दोस्तों को देखिए इस तरह क्या करना है कि यहाँ पर आपको रखना है इस तरह से ठीक है और यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच इस तरह से यहाँ कटिंग करना ठीक है इधर भी इसको क्या करना सिंपलिस सबको यहाँ जहाँ भी आएगा इस तरह से ठीक इस तरह से कटिंग कीजिएगा फिर आपको यहाँ रख देना है इस लाइन पर ठीक है इसको इस तरह से कटिंग कीजिएगा ठीक है फिर दोस्तों फाइनली इसको देखिए यहाँ से रखिएगा यहाँ पर कीजिएगा ठीक है फिर दोस्तों आपको यहाँ रखना है इस तरह से आपको यहाँ से भी कटिंग करना है ठीक है यहाँ दोस्तों इस तरह से कटिंग करना है ठीक है फिर आपको यहाँ रख देना है लाइन दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है यहाँ से कटिंग कर दिए पहले हम लोग इसको भी हम लोग कटिंग कर लेते हैं देखते हैं कहाँ जाता है ठीक है तो यहाँ से कटिंग हो ही रहा था फाइनली आपको दोनों या आपको यहीं कट रहा है ठीक है तो जिस तरह से यहाँ पर हम लोग लाइन दोस्तों में डाल लेते हैं पहले हम लोग इस तरह से बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको मिला सॉरी गलती यहाँ से मिल जाएगा थोड़ा सा थोड़ा ध्यान से उसको बैठा लीजिएगा थोड़ा मेरा मिस्टेक होगी इस तरह से बैठा दीजिएगा ठीक है इसको भी आपको क्या करना है यहाँ से मिला लीजिए तो फाइनली सबको यही हो चुका है आपका आंसर बच्चों ठीक है इसका नाम आपका हो गया ओ बच्चों तो बस आपको ये के कि फाइनली इसका आंसर वीडियो का चुका है फुल सोल्यूशन तो आपसे रिक्वेस्ट अभी चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए जाए फिर इसकी थैंक यू सो मच जय हिंद भारत वंदे मातरम ठीक है